बाद में अपटाइम का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में आपका जो फोन है पता चल जाएगा कि आपका फोन कितनी देर पहले रिस्टार्ट हुआ था। जो मोबाइल है 168 आवर के अंदर रिस्टार्ट होना चाहिए। सुन पा रहे अमित? सुन रहा हूँ जी, सुन रहा हूँ। आप ये मेल करो ना, ट्रबल शूटिंग स्टेप्स मेरे को ईमेल करो। पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर, समझता हूँ। इसके लिए आपको नोटपैड में नोट कर लीजिए, वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं सर। अगर आपका इशू फिर भी सोल्व नहीं होता सर, तो आप वापस रिटर्न रिक्वेस्ट रेज कर दीजिएगा सेम इशू के लिए। अगर आपको अदर इशू आता तो 10 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी के अंदर वापस रिवर्ट कर सकते हैं सर। आप ये फ्लिपकार्ट से बोल रहे हो? आप मेल नहीं कर सकते मुझे? सर पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेल और एसएमएस, समझता हूँ इसके लिए आपसे। अच्छा, मेल पॉसिबल नहीं है, आप ट्रबल शूटिंग फोन पे कर नहीं सकते साथ में मेरे। आप बता, आपको खुद नहीं पता आप क्या पढ़े जा रहे हो? आपको बता रहा हूँ, आप कुछ आप अगर आपको समझ में नहीं आता सर आप मुझे बोल बता दीजिए। आप बताओ ना मेरे को, आप क्या बता रहे हो? आप मेरे को एक 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 करके बताओ मेरे को क्या बता रहे हो आप। देखो, आप कह रहे हो कि प्लास्टिक प्लास्टिक रिमूव करना है, वो प्लास्टिक है ही नहीं कोई। आप आगे बताओ क्या करना है। अगर वो प्लास्टिक का उसके कवर लगा हुआ पन्नी वगैरह, ठीक है, उसके ऊपर तो उसको एक बार रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है सर? नहीं, लगा ही नहीं हुई पन्नी सर, पन्नी नहीं है। आप मेरी सुन रहे हो बात? जी सुन रहा हूँ सर मैं। उसके बाद में रीस्टार्ट द डिवाइस सर, जब पन्नी थी ही नहीं तो रीस्टार्ट करने का क्या फायदा? पन्नी तो है ही नहीं, आगे बताओ आप। रीस्टार्ट मैंने आपको बताया, मैं कई बार कर चुका हूँ। नहीं सर, मैं कोई थर्ड पार्टी आप इंस्टॉल नहीं कर रखा ऑलरेडी। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर ओटी अपडेट्स बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप मैं बता रहा हूँ करो जब, तो आपको अभी मोबाइल जो मोबाइल है वो वाईफाई या मोबाइल डाटा से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो बैटरी है 50% चार्ज होनी चाहिए। आपका जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो बैकअप कर लीजिएगा। उसके बाद में आप सेटिंग को ओपन करिएगा सर, ठीक है। सुन पा रहे हमें? हाँ जी। सर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं दिखा रहा इस पे, कह रहा है इट्स ऑल योर डिवाइस इज अप टू डेट। इस पे कोई अपडेट का ऑप्शन ही नहीं है, कह रहा है योर डिवाइस इज ऑलरेडी अप टू डेट। करके देख लीजिए सर, करके देख के ही तो बता रहा हूँ मैं आपको। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मैं करके ही तो बता रहा हूँ आपको यार। अपडेट है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है कोई। तो सर आप अवेलेबल नहीं है, नया सिस्टम कर लीजिए तो मैं बता रहा हूँ। फैक्ट्री रीसेट कर लिया आपने? क्या कर लिया? फैक्ट्री रीसेट कर लिया सर। फैक्ट्री रीसेट क्यों करूंगा मैं? अभी तो ये बॉक्स से निकाला है मैंने कल फोन, फैक्ट्री रीसेट ही तो था ये ऑलरेडी। अभी कल ही तो डब्बे में से लॉक फोन निकाला है, सील्ड पैक फोन। अभी क्यों रीसेट करूंगा मैं फैक्ट्री? क्यों करूंगा? आपका डब्बे में से ही तो निकाला है, फैक्ट्री रीसेट ही तो था वो। आपका नाम क्या है दोस्त? भरत बात कर रहा हूँ सर। भरत, कौन से सेंटर से बात कर रहे हो आप? नोएडा से बोल रहे हो क्या? अरे मैं तो शहर का नाम पूछ रहा हूँ, आपका घर का पता थोड़ा ना पूछ रहा हूँ। कौन से शहर से बात कर रहे हो आप? राजस्थान से बात कर रहे हैं सर। पर आपकी कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं हुई क्या? आपको खुद ही कुछ नहीं पता, आप क्या क्या हेल्प करा रहे हो मेरी? आप 15 मिनट से मेरे से बात कर रहे हो, आपको कुछ हेल्प पता ही नहीं है कुछ। अरे आप पॉलिसी तो अकॉर्डिंग बता रहे हो, पर आपको खुद ही ट्रेनिंग नहीं मिली, आपको कोई जांच का पता नहीं है, आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो चीजों को यार। एक पेज मिल गया आपको, उसको पढ़े जा रहे हो। आप ऐसा करिए कि आप ऐसा करिए कि ये फोन रिप्लेस कर की जरूरत नहीं है, ये फोन में इश्यू है, आप इसके पैसे दे दीजिए वापस। तो सर फॉल्टी प्रोडक्ट थोड़ी ना ले लूंगा मैं आपका, फॉल्टी खराब प्रोडक्ट थोड़ी ना लूंगा। वो आपकी बात
समझ पा रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ, एक बार करके देख लीजिए, अगर आपका इश्यू फिर भी सोल्व ही नहीं होता उसके बाद में जो भी एक्शन लिया जाएगा आपका रिप्लेसमेंट रिफंड जो करके देख लिया ना, मैं करके ही तो बात कर रहा हूँ आपसे साथ के साथ। वो आपकी बात सही है लेकिन मैं बता रहा हूँ फैक्ट्री रिजेक्ट हुआ, बोले मैं क्यों करूँगा, आप खुद बोल रहे हैं मैं क्यों करूँगा, एक बार करके देख लीजिए अगर उसके बाद में भी। आप मेरे को जस्टिफिकेशन तो दो क्यों करना है, आप मेरे को समझा ही नहीं पा रहे कि फैक्ट्री रीसेट क्यों करना है, जब आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट निकाला है तो वो फैक्ट्री रीसेट ही था। आप करके देख लीजिए अगर इश्यू सॉल्व नहीं होता तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? आप करके देख लीजिए परफॉर्मेंस, ठीक है, आपको फिर अगर आपका इश्यू फिर भी सॉल्व नहीं होता तो आप तुरंत ही रिटर्न रेज कर दीजिएगा और आप परफॉर्मेंस करते ही, ठीक है, उस टाइम आपसे पूछा जाएगा कि सर आपने ट्रबल शूटिंग करी, तो आप बोल दीजिएगा सर हाँ मैंने करके देख लिया, तो वो बोलेगा आपको कंफर्म करवा दीजिए, तो उस टाइम आप कंफर्म करवा दीजिएगा सर, उसके बाद में जो आपकी रिक्वेस्ट को आगे प्रोसेस कर दिया जाएगा सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, आपके जो भी एक्शन लिया जाएगा रिप्लेसमेंट रिफंड जो भी एक्शन लिया जाएगा सर उस टाइम बता दिया जाएगा आपको। चलिए ठीक है, वो आपको सर फॉलो करना होता है एक बार। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए ठीक है, उसके बाद में सेटिंग को ओपन करिएगा, सुन पा रहे अमित? हाँ जी। उसके बाद में स्क्रॉल डाउन करके एडिशनल सेटिंग में जाइएगा, उसके बाद में सर आप बैकअप एंड रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा उसको क्लिक कर लीजिएगा, बाहर ना बैठे उसके बाद में फैक्ट्री एंड फैक्ट्री डाटा रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा उसको क्लिक कर लीजिएगा सर, उसके बाद में सर इयर्स इयर्स और काउंट एंड सेटिंग डाटा का ऑप्शन आएगा उसको क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है जी, इयर्स डाटा का ऑप्शन आएगा उसको क्लिक कर दीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपको थर्ड पार्टी ऐप यूज कर रहे हो तो अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, और आप कोई भी अगर ऐप ले रहे हो सर देर ही तो डेंडर से ना लें, आपको गूगल या प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। ठीक है सर? ठीक है जी, हाँ जी। आपकी रिटर्निंग आपकी और कोई सहायता कर सकता हूँ इसके अलावा? नहीं जी, थैंक यू। ये आप मेरी मेरी मेरे बिना अनुमति के रिजेक्ट कर रहे हो आप? आपसे पूछ रहा हूँ आपकी रिटर्न रिक्वेस्ट को सेलर साइड द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ ये करके देख लीजिए, अगर इशू आपका सॉल्व नहीं होता है तो आप सेलर बोल रहे हो, सेलर की साइड से बोल रहे हो या फ्लिपकार्ट की साइड से बोल रहे हो जी? आप सेलर की तरफ से बोल रहे हो या फ्लिपकार्ट की तरफ से बोल रहे हो? आप तो फ्लिपकार्ट से बोल रहे थे, आप सेलर से बोल रहे हो फ्लिपकार्ट से बोल रहे हो? फ्लिपकार्ट है वही से बात कर रहे हैं, लेकिन आपको जो बता रहा हूँ आपके रिक्वेस्ट को सेलर साइड द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है सर? चलिए करिए, ये मेरी में अप्रूवल के बिना कर रहे हो आप रिजेक्ट। आपसे पूछ रहा हूँ आपके रिटर्न रिक्वेस्ट को सेलर साइड द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा है, अगर आपको सेम इश्यू आता है तो आप बता दें सर ग्रेस इश्यू, ठीक है, जो कैमरा क्वालिटी, अगर आपको सेम इशू आता है तो आप 72 आवर्स के अंदर वापस रिटर्न रिक्वेस्ट रेज कर दीजिएगा, अगर आपको अदर इशू आता है तो सर आप 10 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी के अंदर वापस रिवर्ट बैक कर सकते हैं सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करने के लिए धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया।